Let's do question number 5th of exercise 14a, that is construction. Question number 5th is construct angle AOB equals to 85 degree with the help of the protractor. हमें angle AOB बनाना है protractor की help से 85 degree का. तो हम एक straight line draw कर लेंगे और protractor ले लेंगे और 85 degree का angle बनाना है. हम ये 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट? तो ये आ गया हमारा 85 डिग्री का एंगल और ये था हमारा एंगल एओबी. तो ये आ गई ए ओ और ये आ गया बी पॉइंट, राइट? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है draw a ray OX bisecting angle AOB. OX draw करनी है AOB को bisect करते हुए. तो कैसे करेंगे? अपना compass लेंगे, compass को O पे रखेंगे, O vertex पे. इसको थोड़ा सा open करेंगे और यहाँ से दोनों arms को cut करते हुए एक arc मारेंगे, right? अब क्या करेंगे? अब इसको दोनों आर्क में से किसी एक आर्क पे रखेंगे. अब देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, ये आधे से ज़्यादा लेंगे, अपने कंपास में हाफ से ज़्यादा लिया है और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे. देखिए ये आर्क लगा दी यहाँ से. अब इसी सेम डिस्टेंस का दूसरे आर्म पे और वहाँ से एक आर्क लगाएंगे. ये आ गया. अब हम क्या करेंगे? उसको ओ से ज्वाइन कर देंगे. ओ से हम कट करते हुए वहाँ पे ले जाएंगे और उसका नाम रख देंगे ओ एक्स. ओ एक्स कह रहा था तो इसका नाम रख दिया एक्स पॉइंट. तो ये था हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी. ओ एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 14a, that is construction. Question number 6 is draw a line AB. AB एक line draw करनी है. हमें ये नहीं दिया हुआ कितने सेंटीमीटर की draw करनी है, तो हम एक line AB ऐसी ही draw कर लेंगे और इसको naming कर देते हैं. ये हमारा है A और ये है हमारा B. कितने भी सेंटीमीटर की draw कर सकते हैं. अब क्या कह रहा है? Take a point P on it. कहीं पे भी इसमें एक point P ले लीजिए. ये मान लीजिए ये हमारा point P है, राइट? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी. ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो पी से पास करे और परपेंडिकुलर हो ए बी पे. परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाए. तो उसके लिए हम कंपास ले लेंगे और कंपास को पी पॉइंट पे रखेंगे और थोड़ा सा ओपन करेंगे, राइट? अब क्या करेंगे? पी पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाएंगे. देखिए ये एक आर्क 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जिसे कहते हैं 90 डिग्री का एंगल, राइट? उसी सेम मेजरमेंट का एक आर्क यहां पे लगाएंगे, फिर हम यहां पे रख के सेम मेजरमेंट, कोई चेंजेस नहीं है मेजरमेंट में, एक आर्क यहां लगाएंगे, एक आर्क यहां लगाएंगे, फिर से उसी सेम मेजरमेंट, मेजरमेंट हमने चेंज नहीं किया है. ये देखिए एक आर्क यहां लगाएंगे, राइट? अब जहां ये कट हुआ है उसको पी पॉइंट से मैच कर देंगे. ये देखिए पी पॉइंट से मैच कर दिया. तो ये हमें पता चल गया कि ये पी पॉइंट परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो कह रहा था ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पी. पी से पास हो रही है ये लाइन और परपेंडिकुलर टू ए बी, और ये परपेंडिकुलर है ए बी पर. तो दिस इज द आंसर.